हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित ऑफिशियल। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं थर्माकोल प्लेट पे डिजाइन इस तरह से कैसे निकालते हैं, तो आइए आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक थर्माकोल प्लेट लेंगे, उसके बाद हम कैंची के माध्यम से इस पे डिजाइन काट करके हम दिखाते हैं, तो आइए हम बता रहे हैं। तो देख रहे हैं हमारे पास ये तीन डिजाइन है, जो एक एक करके हम इस प्लेट के माध्यम से आप लोग को डिजाइन बता रहे हैं। सबसे पहले हम इस वाले डिजाइन को आपको काट के दिखा रहे हैं, तो आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लेट को लेंगे और कैंची, इस थर्माकोल को लेंगे और कैंची के माध्यम से इस तरह से हम काटेंगे, ये चारों तरफ से इसको राउंड हम काटें। और काट लेने के बाद इसमें हल्का हल्का इसमें इस तरह से बारीक बारीक साथ काटेंगे, जो देखने में खूबसूरत दिखेगा। देख सकते हैं हमने इस तरह से काट लिया है चारों तरफ से। उसके बाद हम इसको इस कोने को काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, इस कोने को हम काट। तो देख सकते हैं हमने इस डिजाइन को काट करके कंप्लीट कर दिया, जो आप लोग को इस तरह से बढ़िया सा लुक दिखेगा। तो आइए हम उसके बाद हम दूसरा डिजाइन को काट करके दिखा रहे हैं, जो आप लोग को इस तरह से डिजाइन काट करके दिखा रहे हैं। आइए हम आपको फिर से एक थर्माकोल प्लेट लेंगे और इस पे एक डिजाइन ये वाला काट करके हम दिखा रहे हैं। इसे इस तरह से चीरा लगाएंगे, थोड़ा ये चीना थोड़ा दूर दूर लगा के काट देंगे इस तरह से। इसको भी इस बीच में गैप हम थोड़ा थोड़ा देते रह दे करके एक बढ़िया सा लुक कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने काट लिया है। उसके बाद हम इस वाले कोन को बढ़िया से हम कैंची के माध्यम से डिजाइन करेंगे। तरह से हमने गोल गोल चारों तरफ काट लेंगे, जो आप लोग को खूबसूरत सा लुक दिखेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने दूसरा भी डिजाइन काट करके तैयार कर दिया, जो ये वाला वीडियो दिखाए थे वो काट करके कंप्लीट कर दिया। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये वाला डिजाइन आपको हम काट करके थर्माकोल प्लेट पे दिखा रहे हैं, तो लेंगे और इसको कैंची के माध्यम से इसको इस तरह से काट देंगे। देखिए दोस्तों हमने इस तरह से चारों तरफ काट लिया है और काटने के बाद इसको भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दे देंगे। ये दोस्तों कुछ इस तरह से हमने चारों तरफ से गैप दे दिया है। उसके बाद हम इसको इस वाले कोन से इस तरह से इस वाले कोन से इसको धीरे धीरे कैंची के माध्यम से मिलाते रहेंगे, जो ऊपर से नीचे के तरफ कोरेदार बनाएंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ से
कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा तीसरा भी डिजाइन कट के तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों हमारा ये तीनों डिजाइन कट के कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।